हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी धमाका 98। एंड आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं किसी भी लैपटॉप को किस तरह आप डिसेंबल कर सकते हो, डिसेंबल करने के बाद उसके पार्ट्स को देख सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, रिपेयरिंग कर सकते हो, देन उसके बाद उसको फिर से असेंबल कर सकते हो। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लैपटॉप को डिसेंबल करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल 2-3 पेजों को खोलो और आपका लैपटॉप डिसेंबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि आप अगर गलती से एक गलत तरह के पेजों को खोल देते हो, जब उल्टे सीधे तरीके से पेजों को खोलते हो और उसको डिसेंबल करने की कोशिश करते हो सकता है कि आपका लैपटॉप फिर से वर्क कभी कर ही ना पाए। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम लैपटॉप को डिसेंबल कर सकते हैं। पहले हम पार्ट समझ लेते हैं क्या क्या हमें खोलना होगा। पहला पार्ट है हमारे यहाँ पर कीबोर्ड। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले कीबोर्ड को ही खोलेंगे देन उसके बाद दूसरे पार्ट पे जाएंगे, हमें कीबोर्ड खोलना होगा। कीबोर्ड खोलने के बाद ही हमारा लैपटॉप पूरी तरह ओपन हो पाएगा। इसके बाद है हमारे ये जो पेज नजर आ रहे हैं, हमें इनको ओपन करना होगा। देन इसके बाद हम यहाँ पे बैटरी देख सकते हैं। सो बैटरी का जो बटन होता है, अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग टाइप का बटन होता है, कोई खास अंतर नहीं होने वाला है। आपको बस उस बटन पे क्लिक कर देना है, आपकी बैटरी निकल के आ जाएगी। डिसेंबल करते वक्त आपको ये याद रखना है कि बैटरी हमेशा ही लैपटॉप से अलग निकाल देनी चाहिए, नहीं तो बैटरी हमारी क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक करके सभी पेजेस को खोलते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं कि किस तरह आप पूरे लैपटॉप को डिसेंबल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इसकी जो हार्ड डिस्क है वो हमें निकालना काफी जरूरी है, क्योंकि बिना हार्ड डिस्क निकाले हमारा काम नहीं होने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हार्ड डिस्क के पेजों को खोला। ये जो पेज नजर आ रहा है ना हमारे, ये क्या है, हार्ड डिस्क के पेज है। अब क्योंकि हमने पेजेस को घुमा लिया है तो देन इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए बैटरी के साथ टच हुई ये लाइन जा रही है, आपको दिख रही होगी ये वाली लाइन जो है बैटरी के साथ टच होके जा रही है। तो इसको हमें क्या करना है, नॉर्मली इसको ऊपर की तरफ ड्रॉप करना है। ऊपर की तरफ हम ड्रॉप करेंगे तो इस तरह से क्या होगी, निकल के आ जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें काफी टाइम टू टाइम डस्ट आ जाती है, तो इसको भी हमें यहाँ पे क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, जिससे आपका लैपटॉप कंटिन्यूअसली विदाउट एरर काम करता रहे। अब देखिए यहाँ पे हमने खोल लिया और खोलने के बाद हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या है नजर आ रहा है। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, यहाँ पर सबसे पहला काम है हमारे यहाँ पर इसकी हार्ड डिस्क रिमूव करना। तो हार्ड डिस्क को आप बड़े ही आराम से, क्योंकि अगर इस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो पूरी हार्ड डिस्क क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। इसको इस तरह से निकाल लेना है। क्या निकाल लेना, देखिए ये जो बटन है इसको इस तरह से हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। पॉइंट आपको याद रखते चलने, इसको हम बाद में साफ भी करेंगे, देखिए कितनी डस्ट आ चुकी है इस पर। इतना करने के बाद यहाँ पे हमारी क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर रेम देखने को मिलेगी। आप रेम को रिमूव कर भी सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा नहीं है अभी रिमूव करने की तो आप ना भी करें, तो कोई इसमें इशू नहीं आने वाला है। आगे की प्रोसेस हम देखते हैं। अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमें कुछ पेज नजर आ रहे हैं, इन पेजेस को भी हमें क्या करना है, यहाँ पे ओपन करना है। तो चलिए हम इनको ओपन कर लेते हैं, जब तक हम वीडियो पॉज कर देते हैं केवल हम क्या करेंगे, इन पेजेस को ओपन करेंगे, कि नहीं तो वीडियो क्या होगी, लंबी हो जाएगी। और साथ के साथ हम इन पेजों को, ये जो हमारे बैटरी के साथ पेजेस हैं, इनको भी हम आपको ओपन करके बताते हैं। ये हम बता देते हैं क्या है, ये बायोस होता है हमारे यहाँ पर। बायोस का क्या करता है हमारे यहाँ पर, जो कि हमारे लैपटॉप के अंदर टाइमिंग चलती है उसको करने की कोशिश करता है, और इसी से जो है पूरे लैपटॉप को क्रैक भी किया जा सकता है, उसके पासवर्ड को तोड़ा भी जा सकता है। सो गाइस, जैसा कि हमने बोला था, हमने लैपटॉप के अंदर जितने भी हमारे पेचेस थे, जैसे कि हमारे स्क्रू थे यहाँ पर, वो सभी हमने क्या कर लिए हैं, यहाँ पर ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद हमें अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारा सीडी ड्राइवर है, इसको हम यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे प्रेस करेंगे इधर की तरफ, तो ये क्या होगा, इधर की तरफ निकल जाएगा। जब तक हम पेचेस को खोलेंगे नहीं, ये निकलेगा भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, बड़े ही आराम से पेचेस को खोलना है, ज्यादा लोड बिल्कुल नहीं डालना पेज को खोलते वक्त, क्योंकि उसकी स्क्रीन या फिर कोई अदर पार्ट डैमेज हो सकते हैं। जैसा कि हम देखें, हमारा सीडी ड्राइवर है जो कि गंदा हो चुका है, इसको हम साफ भी करेंगे थोड़ी देर में। किस तरह साफ करना है की प्रोसेस है वो हम भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इतना हो गया अब हमारे यहाँ पर। अब इतना होने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इतना होने के बाद हमें इसको थोड़ा सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद हमारा इसको खोल लेना है। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका कीबोर्ड हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो कीबोर्ड रिमूव करने के लिए कोई आप शार्प चीज ले सकते हैं, पेचकस ले सकते हैं, या कुछ और जो भी पेनी चीज हो वो ले सकते हैं। आपको क्या करना है, इजिली जो इसके और कीबोर्ड के बीच में थोड़ा गैप होता है, उस गैप में आपको ये डालना है। डालने के बाद फिंगर से थोड़ा इसको ऊपर की तरफ उठाना है, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। कभी कभी इतना इजीली नहीं निकलता है, आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पर आप डालोगे तो निकल जाएगा, इतनी पक्की बात है, ठीक है, टूटेगा नहीं। देखिए इतना होने के बाद इतना दिख गया हमें यहाँ पर। अब यहाँ पे हमें कुछ ये पॉइंट नजर आ रहे हैं, इन पॉइंटों को हमें इजिली ऊपर की तरफ करना है। ये प्लग है, इसका हम ऊपर करेंगे, निकल जाएगा हमारे यहाँ पर। ये क्या हो गया, हमारा पूरी तरह से यहाँ पे हो गया है रिमूव। अब जब ये हो गया हमारा रिमूव, अब देखिए आप देख सकते हैं डस्ट वगैरह आ जाती है, तो आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, इसको खोल के आप इसको सेट कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम ऊपर करेंगे, ये भी हमारा प्लग है, इसको ऊपर करने के बाद बड़े ही आराम से आपको करना है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में जोर से खींच देते हो इनको, तो आप समझिए कि आपका लैपटॉप कवाड़ा होने वाला है पूरी तरह से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनको भी रिमूव
कर दिया, बड़े आराम से रिमूव हो गए हमारे यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसको ये ऊपर का जो बेसमेंट है इसको निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए साइड में थोड़ा गैपिंग होती है, इस अगर गैपिंग नहीं है तो आप जो है स्क्रू ड्राइवर वगैरह डाल के इस तरह से इसको ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस गैपिंग से थोड़ा क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। देखिए बड़े आराम से ये निकलता हुआ जा रहा है, ये जब तक नहीं निकलेगा जब तक आपके सारे स्क्रू जो है क्या नहीं होंगे, इसमें से रिमूव नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पे इसको क्या किया, इसको निकाल दिया। निकालने के बाद देख सकते हो अभी भी एक अटक रहा है हमारे यहाँ पर। तो कहाँ पे अटक रहा है, इस प्लग पे अटक रहा है। तो इस प्लग को हमने थोड़ा ऊपर किया, ऊपर करने के बाद इसको निकाल दिया। अब कुछ अटक रहा है क्या, कुछ भी नहीं अटक रहा है, ये थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है, इस पर लोड थोड़ा बढ़ गया, इसको हम थोड़ा अटक देते हैं। अब देखिए ये हिस्सा क्या हो चुका है हमारा, पूरी तरह से अलग हो चुका है। और आपको एक बात याद रखनी है, जैसे जैसे डिसेंबल करते चल रहे हो आपको याद रखना है, हालांकि इतना कोई इशू नहीं है, सब पोर्ट अपने हिसाब से सेट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। और असेंबल या डिसेंबल करते वक्त आपको कोई ना कोई वीडियो देखकर ही करना है। देखिए ये हमारा टच पैड होता है जिसपे हम जो है माउस की तरह काम करते हैं, ये हमारे बटन होते हैं दोनों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे की तरफ खोलते हैं, बाद में समझेंगे डिटेल को। इसको हम साइड में रख देते हैं, साइड में रखने के बाद अब जरा देखिए इसको हम खोल लेते हैं थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कूलिंग फैन को किस तरह साफ किया जाता है, क्योंकि कूलिंग फैन अगर खराब हो जाता है तो पूरी हार्ड डिस्क वगैरह सब फूक सकती है। क्यों फूक सकती है, क्योंकि ये कूल करने का काम करता है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारी मदरबोर्ड है इसको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पूरी तरह से रिमूव करने वाले हैं। तो चलिए रिमूव करते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे हमारे कुछ स्क्रू होंगे, उन स्क्रू को हमें क्या करना है, यहाँ पर ओपन कर देना है। तो चलिए करते हैं। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इसको निकालना। देखिए सबसे पहले हमारा ये की है, इसको हम यहाँ पे निकालेंगे। जितनी भी हमारी कीज होती हैं उनको हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो जैसे हम की रिमूव करते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस भी समझते चलेंगे। एक की हमारी वहां पर है और एक की कहाँ है, हमारे यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, नीचे की तरफ है, ठीक है। इसको रिमूव किया हमने यहाँ पर, इसको निकाल दिया। निकालने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, इसको भी बड़ी सेफ्टी से निकालना है। अगर आप इसे अभी निकालना चाहें अभी निकाल सकते हैं, बाद में भी निकल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी हम इसको क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे वायर हैं, अगर गलती से भी क्या होता है वायर टूट जाता है तो पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है, ठीक है। ठीक है चलो इसको बाद में निकालेंगे, बाद में निकालेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हमने यहाँ पे उठाया, अब इसको थोड़ा यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। इसको यहाँ पे बड़े इजीली उठाना है, बड़े आराम से उठाना है, क्योंकि ये पूरा डिस्क खराब हो सकता है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे उठा लिया, सो इजीली इसको हमें ऊपर की तरफ ड्रॉप करना है। ये निकल चुका है, देखिए अब यहाँ पे ये जो है यहाँ पे अड़ रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो दे रखा है ना हमें, जो हमारा हार्ड डिस्क में लगता है वो किधर आएगा, ऊपर की तरफ हमारा शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद अब देखिए ये आ रहा है हमारे यहाँ पर, इसको भी हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ये वाला जो वायर है तो इसको हम रिमूव करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको इजीली रिमूव कर देना है, पर क्या करना है, धीरे धीरे ही करना है, जिससे क्या हो इस पर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको कैसे रिमूव करेंगे। देखो पीछे की तरफ हमें यहाँ पे जाना है, जाने के बाद ये जो बटन है ना उसको आप इस तरह से यूँ निकाल लेना, इस तरह से निकाल लेना, आपको याद है, मतलब खींच के निकालना है इस तरह से, दिख गया होगा आपको, नहीं दिखा होगा कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए अलग से सॉल्यूशन इसके लिए प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको कभी दिक्कत ना आए लैपटॉप को डिसेंबल करने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारी की है, इस की को हमें क्या करना है, इस की को हमें ऊपर की तरफ स्क्रोल करना है, बस यहीं खींच लेना है। सेम प्रोसेस क्या, हमारी नीचे की तरफ स्क्रोल करेंगे, इस जी जो की है हमारी यहाँ पर दिख रही होगी आपको, तो इसको हम क्या करेंगे, आराम से करना है हमें वहाँ काम बिल्कुल, क्योंकि मदरबोर्ड का अगर तार टूटता है तो सब प्रोसेस पूरी हमारी क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। हमने यहाँ क्या किया, इसको निकाल लिया, देख सकते हैं हम निकल चुका है, पीछे की तरफ जा रहा है थोड़ा, क्योंकि पीछे थोड़ा हैवी लोड हो गया है। इतना होने के बाद इसको हमने यूँ किया, यूँ करने के बाद अब यहाँ पर देखिए अब हमें क्या क्या और करना है। यहाँ पर देखिए इतना हो चुका है, अब इसको थोड़ा यूँ निकालेंगे, और अभी यहाँ पर अटक रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा अटक रहा है, तो इसको भी थोड़ा इसका भी हम इंतजाम करते हैं क्या करना होगा हमें। यहाँ पर ये हम निकाल चुके थे, अब इसको आराम से ही यूँ ले लेना है आपको, ठीक है। आराम से क्या किया हमने यहाँ पे, ये ले लिया। अब तो ये पीछे का फीचर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है पूरा, क्या प्रोसेस है इसका, यानी इसके बाद अभी हमें क्या करना है, इसका कूलिंग फैन अभी यहाँ से हमें क्या करना है, रिमूव करना है, जिससे हम इसको जो है क्या कर सकें, साफ कर सकें, क्योंकि कूलिंग फैन की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक स्क्रू नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ, आपको दिख रहा होगा स्क्रू नज़र आ रहा है, इस स्क्रू पर क्या करना है हमें, यहाँ पर इसको खोल देना है, और स्क्रू खोलने के बाद हमें अभी काम और करना है। देखिए यहाँ पे हमारे सॉकेट है ना, इस सॉकेट को खींच लो, जिससे क्या होगा पूरा अलग हो जाएगा, इसको खोल लेते हैं और कुछ भी सेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसको बड़े आराम से आप ध्यान से निकालो, खींच लो,
सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इसमें हमको आपको डिटेल देने वाले हैं। इसके इसके बाद बिल्कुल ना करें, आप चाहे डबल स्क्रिप्ट करके देख सकते हैं इसको। देखिए हमारा क्या होगी, पूरी तरह से इस तरह से आ गया। आने के बाद हमें देखिए कितना गंदा हो रहा है, इसको पहले हमें क्या करना है, इसमें बैठ कर साफ कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, असेंबली करते चलेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, पूरा पहले हमारा है, और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा साफ कर देंगे इसकी जितनी भी जगह, इसको हम यहाँ पे ऊपर भी जाने वाले, पूरी तरह से पूरी तरह से हमने यहाँ पे इसको खींचने इससे इसका जो सॉकेट है वो बाहर निकल के आ जाए, बाहर निकल के आ गया हमारा। अब देखिए ये जो बटन है हमारा, ये जो है ना, इसको थोड़ा करेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जैसे करेंगे तो कूलिंग फैन का एक सिस्टम है, नीचे की तरफ भी एक बटन होगा हमारे यहाँ पर, नीचे की तरफ हमारा एक स्क्रू है, इस स्क्रू को खोलना है हमें यहाँ पर, ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रू खोलेंगे, इधर जो बटन होगा तो हमारे एक तरफ से पूरी तरह से हो जाएगा यहाँ पर रिमूव, ठीक है। चलिए हम रिमूव कर लेते हैं इसको जल्दी से। सो गाइस यहाँ पे हमने सभी स्क्रू खोल ली है, और नीचे की जितनी सॉकेट है वो हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब देखिए ये हमारा खोल गया है, स्क्रू अभी भी वो अटक रहा है, जो ऊपर वाला स्क्रू है उसको अभी खोलना बाकी रह गया है, तो इसको हम थोड़ा खोल देते हैं। तो गाइस हमारा यहाँ पे वो स्क्रू भी खुल चुका है, देख सकते हैं आप, इसको सेफली आप यहाँ रख दीजिए। रखने के बाद इसको हम थोड़ा करेंगे ऊपर की तरफ, और देखिए इस तरह की डस्ट हमारे लैपटॉप में आ जाती है, तो इसको हमें टाइम टू टाइम रिमूव करना काफी जरूरी है, इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा कूलिंग फैन है, और ये कुछ इसके अंदर से निकला, इसको हम देखेंगे क्या चीज है ये, और इसमें यहाँ पे हम रख देते हैं थोड़ा। और देखिए इस कूलिंग फैन को मैं क्या करना है, थोड़ा साफ कर लेना है, जितनी हमारे यहाँ पार्टी है ना उसको इस ब्रश के थ्रू आप साफ कर सकते हैं यहाँ पर, जिससे ये पूरे साफ हो जाए, देखिए कितनी डस्ट निकल रही है, तो इसको हम पूरा साफ कर लेते हैं फिर भी नहीं हुई है अभी। सो गाइस इस ब्रश से हमने यहाँ पर आके पूरा साफ कर लिया है, कुछ नहीं करना है, केवल इस तरह से आपको लेके चलना है, बड़ा आराम से साफ हो जाएगा। हम यहाँ पर चलो पार्ट बता देते हैं आपको, जो भी थोड़े काम आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारी क्या है, रेम है, आप देख सकते हैं उसमें शायद दिख रहा हो आपको, थोड़ा हम जूम करके एंटर कर देते हैं। ये क्या है हमारे यहाँ पर रेम है, इस रेम को आप रिमूव कर देना, इस तरह से खींच के रिमूव कर सकते हैं, चाहे ना इसे उसको और उसको क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। फिलहाल हमें रेम लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि रेम ऑलरेडी हमने साफ कर दी है से, तो आप ना लगाएं। चलिए इतना काम तो हमारे यहाँ पे हो चुका है, डिसम्बर हमारा पूरा हो चुका है, अब बात आती है हमारे यहाँ पे असेंबल करने की। तो चलिए जैसे हमने असेंबल किया तो सेम प्रोसेस है हमारे असेंबल की, अंतर नहीं है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि डिसम्बर हो जाता है असेंबल करने में और क्या दिक्कतें आती है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले हमने निकाला, सबसे लास्ट में हमने निकाला था उसको सबसे पहले लगाएंगे, क्या निकाला, सबसे लास्ट में हमने निकाला था कूलिंग फैन, ठीक है, इसको जस्ट निकाल देंगे अभी। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेट करना स्टार्ट करते हैं इसको, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सबसे पहले इस तरह से है हमारे यहाँ पर, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रख देंगे, ठीक है। हमने इसको क्या किया, इस तरह से यहाँ पे रख दिया, रखने के बाद ये स्विच है ना, इसको हमें इस तरह से दबा देना है, इस तरह से हमने स्विच को दबा दिया, दबाने के बाद जहाँ जहाँ भी हमें क्या दिखते हैं स्विच दिखते हैं, पीछे की तरफ भी एक स्विच है, इनको हमें यहाँ पे दबा देना है। हमने ये स्विच दबा दी, हमारे यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे हमने स्विच लगा दी, इसके बाद ये जो हमारा तार है ना, इसको हमें सही जगह लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको हम लगाएंगे ही नहीं तो ये चलेगा ही नहीं कूलिंग फैन हमारे यहाँ पर। चलिए इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, आराम से लगाना है, स्लोली स्लोली, तार अगर टूट गया तो दिक्कत हो जाती है रिपेयरिंग वगैरह में। चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, तार भी यहाँ पे क्या कर दिया है, लगा दिया है। लगाने के बाद हम चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करते हैं, असेंबल करते हुए चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा इस तरह से ले लेना है, इसको क्या करना है, इस तरह से ले लेना है, और जो भी हमारे वायर इससे कनेक्ट होने वाले हैं इसको थोड़ा हम ऊपर की तरफ रखेंगे, जिससे कोई वायर दब ना जाए और हमसे छूट ना जाए, ठीक है। इसको हमने इस तरह से डाल दिया। अब सबसे पहले हमारा क्या है, ये है, इसको हम यहाँ पर इसके अंदर डाल देते हैं। ये क्या है, हमारा हार्ड डिस्क का है, दिखा देते हैं आपको, ये जो है हमारा वायर, ये होता है हमारा हार्ड डिस्क का वायर, ठीक है। और देन उसके बाद हमें यहाँ पे इस वाले वायर के बारे में सोचना है, तो इस वायर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक एक करके करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमने इसको डाल दिया इसके अंदर, और पीछे से क्या किया, इसको निकाल लिया। इतना निकालने के बाद, इतना काम तो हमारा हो गया ना, अब इतना काम होने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें एक तो ये वायर है और एक ये वायर है, इन दोनों वायरों को हमें अब सेट करना है। तो हमने पहले क्या किया, इसको बड़े ही आराम से सॉकेट में सेट करते हुए, इसको थोड़ा ऊपर लेते हुए, जिससे कोई वायर कट ना जाए, नीचे रख दिया आराम से, ठीक है।
इतना रखने के बाद हम यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कनेक्ट कोई नहीं करेंगे, अभी कनेक्ट पहले हम इधर वाले को करेंगे, क्योंकि अभी हमारे क्या है ये वाले वायर भी तो हैं, इनको भी सेट करना है हमें। यहाँ पर सबसे नीचे वाला ये, इसको पहले सेट कर देते हैं, ठीक है। नीचे नीचे वालों को पहले सेट कर देंगे जिससे भूलने का कोई खतरा ना रहे। ये सेट हो गया हमारा यहाँ पर, बड़े ही आराम से सेट हो गया। इसके बाद इसको भी थोड़ा सेट कर लेते हैं, इससे डस्ट वगैरह हम हाथ से रिमूव कर देते हैं इसकी। ये क्या किया हमने, इस तरह से इसको पकड़ा, पकड़ने के बाद इसका बस ढक्कन बंद कर देना है, ठीक है। हो गया हमारा इतना काम। अब इतना होने के बाद हमें यहाँ पे देखिए इनको भी हम सेट कर ही लेते हैं। फिर ये लिया और हमने क्या किया, बड़े ही आराम से इसके अंदर एंटर करा दिया। अब ये बच्चा हमारे यहाँ पर, इसको भी कर लेते हैं। इसका सॉकेट खोला हमने यहाँ पर, सॉकेट खोलने के बाद कुछ नहीं करना है, इसको बस सेट कर यूँ लगा देना है इसको, ठीक है। हमने क्या किया, इसको एक मिनट लगा दिया। लगाने के बाद क्या करना है, इसका ढक्कन हमें यहाँ पर बंद कर देना है। हमारा काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। और ध्यान से कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये भी लग गया। अब हमें इसको सेट करना है। चलिए इसको हम यहाँ पे यूँ निकालेंगे, इससे हम क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद हम इधर की तरफ आएंगे, और इधर की तरफ आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डालना है इसके अंदर, ठीक है। अभी एक पार्ट और था हमारा इसका, ये वाला पार्ट और है, इसको भी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो पहले हमें क्या कर लेना है, इसको यहाँ डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। यूँ इसके यूँ सेट करते हुए बड़े ही आराम से करना है, कोई तार खिंच गया तो वो टूट जाएगा, ठीक है। इसको यूं लिया और इसके ऊपर सेट हो गया, इसके ऊपर हो गया। अब देखिए सॉकेट है ना हमारे यहाँ पर, सॉकेट को हमें ऊपर नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा, जब तो इसके अंदर जाएगा। हमने इसको अंत के अंदर खींचा, प्रेस किया, एक चला गया, दूसरे को प्रेस करेंगे हम यहाँ पर इस तरह से पीछे की तरफ, तो वो भी चला जाएगा। इसको हमने पकड़ा, पकड़ने के बाद इसको थोड़ा प्रेस किया और ये इसके अंदर चला गया, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, चला गया इसके अंदर। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद हम थोड़ा इसको सेट करेंगे आगे की तरफ। ये हमारा इस तरह से ही रहता है, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेंगे, निकाल लेंगे, बाद में इसको सेट कर देंगे। अब देखिए हमारा इतना काम हो चुका है। इतना काम होने के बाद हमारे जितने भी सॉकेट्स थे वो भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। एक बार हम रिचेक कर लेते हैं जिससे कोई ऐसा सॉकेट ना बचा रह जाए जिससे जो ना जुड़ा हो। अब बात बचती है हमारे यहाँ पर इसके हार्ड डिस्क की, बैटरी की, और इसको सेट करने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पेचेस वगैरह जो हमने खोले थे थोड़े बहुत, इसको हम यहाँ पे कस देंगे। एक पेज कस देते हैं, अगर ना भी कसें तो कोई खैर इशू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर से तो हमारा सब कुछ पेज कसा ही रहेगा। तो इसको हमने यहाँ पे क्या किया, इसको प्रेस करके दबा लिया है। दबाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो की है ना, इस की को हमें, इसको हम निकाल लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, निकल पाए तो निकाल लेते हैं, नहीं तो ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए निकल गया, और इसको एक को ही निकाल लिया हमने यहाँ पर। और निकालने के बाद इसको क्या किया हमने, इसके अंदर सेट कर दिया। अब जो सेट हो गया तो जो हमारा क्या था, वाइट कलर का वायर था, वो अंदर चला गया। इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे, वाइट कलर का वायर निकल गया। और निकलने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको इसमें हमें फिर से सेट कर देना है। एक मिनट, पहले सेट ही रहने देते हैं इसको, सेट ही रहने दिया। इसको हमने यहाँ से ऊपर से पकड़ लिया और इसको यूँ सेट कर दिया, ठीक है। सेट हो गया हमारे यहाँ पर। सेट होने के बाद हमें क्या करना है, ये इतना काम तो हमारा हो चुका था। अब इसमें हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड और बैटरी लगा देंगे, ठीक है। मदरबोर्ड और बैटरी इसमें हमने यहाँ पर सेट कर दी। मदरबोर्ड तो हमारा सेट हो चुका था, एक ये पिन और रह गई अभी हमारी। इस पिन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे। ये क्या हो गई, इसके अंदर हमारी ये सेट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर बैटरी सेट कर देंगे हम यहाँ पर, और हार्ड डिस्क लगा देंगे इसकी। और अभी एक पेज रह गया, ये जो हमारा स्क्रू था ना, इसको भी हमें यहाँ पे कसना है। इसको हम यहाँ पे कस लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, कूलिंग फैन का है, इसको हम कस लेते हैं। ये जो वायर है हमारे, ये जो हमारे स्क्रू है ना, ऊपर से कसे जाएंगे, यहाँ से नहीं कसे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं।
ये है हमारी यहाँ पर हार्ड डिस्क, ठीक है, ये हमारी हार्ड डिस्क है, इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं क्योंकि ये भी गंदी हो रही है, इसको भी साफ़ करना टाइम टू टाइम ज़रूरी होता है। और इसको आपको कस के बिल्कुल नहीं पकड़ना है, यहाँ पे ही वैक्यूम के बटन से अगर इन पे चोट लगती है तो पूरी हमारी हार्ड डिस्क क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इसको हमने बड़ी ईजीली साफ़ कर लिया। आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जो है इस तरह से लगा दिया, इस तरह से लगा देना है हमें, यहाँ पर दिख गया होगा आपको किस कैसे लगाया था, इस तरह से लगा देना है। और लगाने के बाद इसको इस यहाँ पर सेट कर देना है। एक मिनट, ये फिर से निकल गया है तो इसको हम सेट कर देते हैं। पहले ये हमने सेट कर दिया, अब इसके बाद हमें इसको इसके अंदर डाल देना है। ये हमारा डल गया, इसके बाद हम यहाँ पर देखें, इसको हमने डायरेक्टली पकड़ा ही हुआ था, ये सब सेट है ही हमारे यहाँ पर, अब सेट है। तो हमें हम क्या क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल हमें यहाँ पर अब दो तीन स्टेप और रह गए अभी हमारे इसमें। कौन से स्टेप रह गए, अब हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, यहाँ पर हम बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, जिससे स्टेबल हो जाए, इसके साथ सेट हो जाए। यहाँ पर हमने लगा दी बैटरी, बैटरी चलिए बाद में लगाएंगे क्योंकि अभी तो ऊपर का ढक्कन भी लगाना है हमें यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो उल्टा करके रख देते हैं इस तरह से, या फिर उससे पहले हम इसको भी सेट कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे यूँ लिया और क्या कर लिया, इस तरह से सेट कर लिया। इसमें सॉकेट भी चेक हो जाएगी कि हमारी सही लगी है नहीं लगी है। देखिए अभी सॉकेट जो है इसकी सही नहीं लग पाई, इसलिए पूरी तरह से अंदर नहीं जा पा रहा है। तो हमने इसको थोड़ा और दबाया, पूरा तरह से अंदर चला गया है, ठीक है, चला गया, इतना हो गया हमारे यहाँ पे काम। अब देखें आगे, अब ये कहीं मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको भी लगा देते हैं हम, इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है ना ये वाला, इसको भी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे लिया और इस तरह से क्या किया, हमने यहाँ पे रखा है इसको। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, इनकी जो भी हमारे बटन्स हैं इनको सही तरीके से सेट करना है। तो हमने एक तो ये लिया और उसके अंदर यूँ डाल दिया, ठीक है, सॉकेट के अंदर डाल दिया हमने यहाँ पर, और इसको बंद कर दिया। कौन कौन से रह गए अभी हमारे यहाँ पर, ये सब सेट हो ही चुका था हमारे यहाँ पर, ये दो रह गए, ठीक है, और एक उसका रह गया। तो ये क्या हो सकता है, ये तो इसी के ऊपर से लग जाएंगे हमारे। तो हम क्या करेंगे, इसका बटन ओपन करेंगे, मतलब ऊपर उठाएंगे और इसको इसके अंदर डाल देंगे। इसको उठाया और इसको इसके अंदर डाल दिया। ये किसके हैं हमारे यहाँ पर, ये हैं हमारे यहाँ पर टच पैड के, ठीक है, ये जो हमारा है माउस, ये हमने बंद कर दिया। इस सेम इसी प्रोसेस पे हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे और हमने यहाँ पर ये। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप इजीली घर बैठे ऑटोमेटिकली अपने लैपटॉप को रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि टाइम टू टाइम उसमें डस्ट वगैरह आती रहती है और रिम वगैरह साफ़ करना ज़रूरी होता है, कूलिंग फैन साफ करना ज़रूरी होता है। तो बड़े आराम से आप कर सकते हो प्रोसेस के जरिए, पर आपको बड़े ध्यान से ही करना है क्योंकि अगर गलती से भी ज़्यादा प्रेशर पड़ गया इस पर तो पूरा लैपटॉप डैमेज हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको इसलिए बड़े आराम आराम से कर रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर लग गया। लगने के बाद इसको आप बड़े आराम से क्या करोगे, प्रेस कर दोगे, दबा दोगे, ठीक है, चारों तरफ से। ये क्या हो गया, हमारा लॉक हो गया यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से दबा देना है आपको। अब इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ पे इसको इस तरह कर लिया हमने यहाँ पर, ये हमारा ऑलरेडी सेट है ये। अच्छा, ये बटन जो है अभी फिर से निकल चुका है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, फिर से सेट कर देंगे। ये जो है, क्योंकि अगर एक भी बटन लूज रहता है तो पूरे लैपटॉप पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हमने इसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसको लगा देंगे इसमें, ठीक है, अब इसके बाद हमें फाइनल काम करना है। इसके ऊपर थोड़ा इसको रख देते हैं, इसे निकल के ना जाइए। ये जो है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सेट कर देंगे, देन हमारा लैपटॉप क्या होगा, पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, केवल इसमें अब पेचेस सेट करने होंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे कुछ स्क्रू भी कसने हैं, तो उन स्क्रू को भी हम यहाँ पे पहले कस लेते हैं। सो हमने यहाँ पे एक दो पेच लगा लिए हैं। लगाने के बाद हमें यहाँ पे एक बार पहले हम चेक करके देख लेते हैं जैसे सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको लगा के बैटरी सेट करके, देन उसके बाद हम इसको फाइनल पूरे पेचेस जो भी हैं हमारे उसको हम क्या करेंगे, कस देंगे, ठीक है। तो
तो ये पर चेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसको हमने यहाँ पे सेट किया, सेट करने के बाद हमने इसके सॉकेट लगाए इस तरह से। ये क्या हो गया, हमारा पूरी तरह से लॉक हो गया। अब इसमें हम बैटरी सेट कर लेते हैं। बैटरी हमने कैसे यहाँ पे सेट करी, एक बार फिर जिसमें पेच रहेगा यहाँ भी हम कसेंगे, एक बार हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर टेस्टिंग कर लेते हैं कि हाँ ये सही तरह से सेट हुआ है, कोई वायर वगैरह छूट तो नहीं गया हमसे, तो हम सेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इस बटन को दबाया, ये देख सकते हैं कूलिंग फैन जो है यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस, लैपटॉप पूरी तरह से असेंबल हो चुका है। कोई भी डाउट होने पर हमें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।